झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से कल विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद देश भर में हेमंत सोरेन एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं। रांची में पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास मत हासिल करना राज्य की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण हेमंत सोरेन को 5 महीने तक कठिन कारावास से गुजरना पड़ा। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण निर्दोष हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। ये गठबंधन बहुमत के साथ दोबारा सरकार बनाएगी, ये राज्य की जनता का सोच है, उनका विचारधारा है और उस आधार पर हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे आगे नहीं बल्कि नीचे जाएगी।